तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एप्पल का डिस्काउंट कैसे ले सकते हो आप स्टूडेंट डिस्काउंट एप्पल की ऑफिशियल साइट पे, और उसमें मैंने आपको सब बताया था कि क्या क्या डिस्काउंट्स मिलते हैं एक दो प्रोडक्ट्स पे, और प्लस यूनिडीज की आईडी कैसे बनाते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। तो अगर आपको वो देखना है, वो नहीं देखी अगर आपने वीडियो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोनों साइट्स में कंपैरिजन करके नॉर्मल और एडुकेशन वाली कि क्या डिफरेंस होता है जो जिन भी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है उसमें, ठीक है। तो चलिए एप्पल की साइट खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ले लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा बेटर दिखे। उसके अलावा कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट्स में पूछा था कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, तो ये मैं रिकॉर्डिंग के लिए माइक यूज़ करता हूँ सैमसंग का। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं। अपन देखेंगे एडुकेशन स्टोर की प्राइसिंग क्या होती है एप्पल के और नॉर्मल प्राइसिंग क्या होती है, ठीक है। तो एक विंडो में ये लेफ्ट वाली विंडो में मैंने खोल रखा है एडुकेशन स्टोर और राइट वाली विंडो में नॉर्मल स्टोर खोला हुआ है। अब अगर आपको नहीं पता कि एडुकेशन स्टोर कैसे खोलते हैं, यूनिडेज की आईडी कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है जो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा। अभी अपन चेकआउट करते हैं कि एडुकेशन और नॉर्मल वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपको बात बता दूँ कि आईफोन का और एयरपॉड्स का, इन दोनों चीज़ों पे और शायद एक्सेसरीज पे भी एडुकेशन डिस्काउंट नहीं होता है। उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आईपैड है, मैकबुक्स हैं, मैक है, आईमैक है, इन सब पे आप एडुकेशन डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं आईपैड्स। तो सबसे पहले अपन जाते हैं नॉर्मल वाली वेबसाइट पे और आईपैड का प्राइस चेक करते हैं। सबसे पहले अभी सबसे नया लॉन्च हुआ है ये आईपैड एयर जो 54,900 का है। अब अपन इसी को देखेंगे एप्पल की एडुकेशन स्टोर पे। तो ये मैंने आईपैड खोला, आईपैड एयर, और जब मैं इसको बाय पे क्लिक करूंगा ना, तो इसका एडुकेशन डिस्काउंट लग के इसकी प्राइस आएगी डायरेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये नया वाला आईपैड एयर जो M1 वाला है, उसकी प्राइसिंग है 50,783, जबकि इसकी प्राइसिंग जो नॉर्मल वेबसाइट पे है वो 54,900, ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़, थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ का एग्जैक्ट थोड़ा सा करीब आना चाहे तो 4,200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं सारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं ना, ठीक है। तो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं एडुकेशन स्टोर को। तो मैक्स में जाते हैं, मैकबुक एयर अपने को मिल रहा है 83,610 रुपीज़ का। मैकबुक प्रो की प्राइसिंग है ये 1,10,000, आईमैक की प्राइसिंग है ये सब डिस्काउंटेड प्राइस है 58,000 का है। मैक मिनी, मैक स्टूडियो जो अभी नया लॉन्च हुआ है मार्च में, वो है 1,70,000 का, ठीक है। तो ये सारी एडुकेशन प्राइसिंग देख लो आप। अब अपन आईपैड पे आए तो ये आईपैड प्रो जो है 68,000 का। चलो अब नॉर्मल वेबसाइट पर देखते हैं कि आईपैड प्रो वैसे कितने का मिलता है। तो अपन जाते हैं नॉर्मल वेबसाइट पर आईपैड प्रो पे, तो बाय पे टैप करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आईपैड प्रो की प्राइसिंग है 71,900, ऑलमोस्ट 72,000, और आईपैड प्रो एडुकेशन स्टोर पे मिल रहा है 68,000। हाँ तो अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है ना। उसके अलावा अगर अपन प्राइसिंग चेक करते हैं बाकी आईपैड्स की, नॉर्मल पे इतना नहीं, शायद 1,000 रुपये मिलेगा नॉर्मल वाला आईपैड जो है ये। फिर उसके बाद आईपैड एयर पे अच्छा डिस्काउंट था, प्रो पे अच्छा डिस्काउंट है, ये 44,500 रुपीज़ का आईपैड मिनी है, ठीक है। तो ये है कंपैरिजन एप्पल की एडुकेशन साइट पे जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है वो, और नॉर्मल साइट जो होती है उसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूँ और आगे डालता रहूँगा। एप्पल पे स्टूडेंट डिस्काउंट लेने के लिए यूनिडेज पे आईडी बनानी पड़ती है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है लेफ्ट वाली वीडियो में। और अगर आपको एप्पल वॉच सीरीज 3 का रिव्यू देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना।